को थैंक यू बोल दिया, बट जो लोग असली है, जो रियल है, वो यहाँ है स्टेज पे. प्लीज गिव इट अप फॉर दीज वंडरफुल म्यूजिशियंस. जीतू शंकर जी, दे वर्क सो हार्ड टू मेक एवरीवन साउंड सो गुड एंड दे गोना डू एग्जैक्टली दैट राइट नाउ आई होप. आप लोगों को अगर मूड हो तो आप लोग भी गा सकते हैं साथ में. गाने शायद आप जानते होंगे. हाँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ. ऑलराइट, ओके. हाय इश्क है कैसा ये अजीब रे खुदाया वे हाय इश्क है कैसा ये अजीब रे दिल के करीब लाया दिल का doesn't matter whether you win or lose. Of course, गाना जो है वो सबसे अव्वल होता है. और कभी कभार ऐसा होता है, सोनाक्षी, I want you to listen to what I'm saying, because आपने बहुत अच्छा गाया और आप बहुत अच्छी सिंगर हो. आज ये कॉम्पिटिशन आप जीती नहीं हो उसका मतलब कुछ नहीं है. Doesn't matter. आपकी जो कला है, आपकी सिंगिंग है, nobody can take that away from you. You are a fantastic singer. And this format is such that we have to select one winner and one runner-up. But honestly, in my eyes, you all are winners. Seriously. Ye format aisa hai ki humko ek winner choose karna hai. But Arth, you sang beautifully. Very well. Ye hausla was fantastic. Even Sunona sang marmar ke. Beautifully sung. Sonakshi, you sang the first song really well. Aashiqui ka tha na wo gana? Right? कौन सी फिल्म का था गाना? सॉरी, हाँ, या बट इट वॉज अरिजीत सॉन्ग, राइट? यू सैंग, या ब्यूटिफुल सॉन्ग, वेरी वेल यू सैंग, वेरी वेल. कैन वी हैव हर पेरेंट्स ऑन स्टेज एज वेल प्लीज? Thank you.
इनोवेटिव जरूर है, बिकॉज एक तो इसमें टेलीविजन का कोई प्रेशर नहीं है, और सही में कहूँ तो यू नो अगर ये सिंगर्स जो है उनको एक फ्यूचर बहुत ज़रूरी हो जाता है इनके लिए आफ्टर यू बिकम यू नो यू गेट चोजन एज द विनर, उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो टाई अप है यूनिवर्सल म्यूज़िक का और मैक्स लाइफ का, एक एल्बम रिकॉर्ड डील, आजकल एक अच्छा सा एल्बम बनाना एक आर्टिस्ट के लिए आसान नहीं है. एज अ विनर ऑफ मैक्स लाइफ यंग सिंगिंग स्टार्स, आपको एक एल्बम यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ के थ्रू हम रिलीज़ करने का चांस मिलता है, और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में रूबरू इंटरेक्ट करना और उनके साथ में काम करना, उनकी मेंटरशिप लेना, ये एक मौका मिलता है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आजकल यू नो कंपोजर्स जो है वो टैलेंट काफ़ी कमाल का है हमारे देश में, और काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए सिंगर्स हैं, तो हर किसी सिंगर को सुनना इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट विद यूनिवर्सल म्यूजिक्स यू नो उनका जो टाई अप है कंपोजर्स के साथ आर्टिस्ट के साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बेहतरीन है कि ये सिंगरों को मौका मिल जाता है. ये पहला नहीं, दूसरा इनका. हाँ जी बिल्कुल, ये दूसरा सीजन है. आई थिंक मैं इस चीज़ से इतना रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसी जर्नी से आई हूँ जहाँ एक दिन मैं कुछ नहीं थी, और आज मुझे इतना मौका मिल रहा है सलीम सर के साइड में खड़े हो गए इंटरव्यू देने का और मैक्स लाइफ से जुड़ने का. तो मैं समझती हूँ कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं, जो पूरा प्रोसेस है ऑडिशंस देने का, हमें सेलेक्ट करने का, जो एक डर होता है अंदर, मैं वो उन सब चीज़ों से रिलेट करती हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग. सो आई थिंक दैट मेक्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक डिजिटल मीडियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पहले अगर आपको आर्टिस्ट ढूंढना पड़ता था, आपको रियलिटी शोज़ का सहारा लेना पड़ता था, ARs कभी बार में बैठे रहते थे कि कहीं तो कोई अच्छा सिंगर गाएगा, लेकिन क्योंकि आज सब कुछ एक YouTube ऐसा मीडियम है जहाँ आप अपना टैलेंट बस डाल सकते हैं एंड यू नो यू कैन जस्ट पिक इट अप. कंपोजर्स लाइक सलीम एंड मैनी मोर कैन जस्ट सी कि वाओ ये बंदा कितना अच्छा गा रहा है, तो यू कैन जस्ट पिक इट अप. सो आई थिंक डिजिटल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे कुछ काम नहीं दिया, लेकिन अगर ये मुझे आपने गाने बोला नहीं फिर भी गा दिया. बोलो मैं पहले तो वॉइस क्वालिटी ढूंढता हूँ. सुर ताल तो ऑफकोर्स बेसिक ही है, बट वॉइस क्वालिटी और एक गायकी में रुदारी, लाइक यू नो सिंग विद योर हार्ट विद योर सोल फील ढूंढता हूँ मैं. उसके अलावा वर्सेटैलिटी भी ढूंढता हूँ मैं, काफ़ी कुछ ढूंढता हूँ यार. मैं बहुत मांगता हूँ सिंगरों से, मेरी मांग बहुत बहुत स्ट्रांग है. मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सिंगर जो गाना गाए वो हर तौर पे यू नो तैयार हो, क्लासिकल भी गा सके, रॉक गाना भी गा सके, गज़लें भी गा सके, और यू नो उनको हर म्यूज़िक की हर स्टाइल की तालीम हो, और उसके अलावा एक अच्छी वॉइस क्वालिटी भी हो, इंसान अच्छा हो, तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ. मैं ऑनेस्टली जो इतने कमाल के सिंगर्स रियलिटी शोज़ के थ्रू हमें मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो आई जीनियस है, जहाँ पे इट्स नॉट अ टीवी मीडियम, बट फिर भी इतने अच्छे अच्छे फनकारों को आपने सुना अभी, इतने कमाल की वॉइस क्वालिटी है उनकी, इतनी छोटी सी उम्र में भी इतना अच्छा गा लेते हैं, तो ये बेशक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू नो वी गेट टू एक्सपीरियंस दीज वॉइसेस एंड और यहीं से होता है. हमने कई सिंगरों को ऐसा मौके दिए हैं पहली बार फिल्मों में गाने के लिए, इसी जो रियलिटी शो से निकले हैं या कॉन्टेस्ट से निकले हैं, ऐसे कई लोगों को हमने चांस दिया. Yes, I'm really, really happy that I'm back to my school, and it was such a proud moment for me that I have walked back into my school as the chief guest of my school. Right. I don't think there can be a bigger honor for anyone, because when you're growing up in those growing up years,